अस्सलामुअलैकुम। बिना स्किप करे फुल वीडियो वाच किया करें। आज आपको मैक्रोनी की रेसिपी बताती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मसाला, नमक, टमाटो पेस्ट, काली मिर्ची, टमाटो सॉस, हल्दी, तेल, हरी मिर्च, कोतमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। इस गर्म हुए पानी में मैक्रोनी को डालकर अच्छी तरह से पका लेना। मैक्रोनी अच्छी तरह से पक गई है। इसको एक जाली के बेसन में निकाल लेना। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद थोड़ा सा प्याज डालकर इसको फ्राई कर लेना। इसके बाद अदरक का पेस्ट डालना। इसके बाद हरी मिर्च भी डाल देना और टमाटर पेस्ट भी डाल देना। थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देना और मसाला भी, हल्दी भी इसमें डाल देना। थोड़ा सा काली मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल देना और टमाटर सॉस भी इसमें डाल देना। डालकर ये अच्छी तरह से इस तेल में मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर देना। इस तरह फ्राई कर लेना। फ्राई होने के बाद थोड़ा सा कोतमीर, नूडल्स मसाला भी इसमें डाल देना। डालकर ये भी अच्छी तरह से इस तेल में फ्राई होने देना। इसके बाद मैक्रोनी को भी इसमें डाल देना। डालकर मैक्रोनी को इन मसालों में अच्छी तरह से मिलने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। थोड़ी देर इस तरह इस मैक्रोनी को फ्राई कर लेने के बाद इसको इसी तरह फ्राई कर लेना। इसको एक प्लेट में सर्व कर लेना। आप मैक्रोनी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।